अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बख्त और आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी। यकीनन सेफ सिटी का लाहौर की सिक्योरिटी में एक बड़ा किरदार है। मुहर्रम अल हराम के मौके पर सेफ सिटी में एक बहुत बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें सीएम पंजाब ने शिरकत की। आइए मेरे साथ सीसीपीओ लाहौर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा, जो हमारे पुलिस के नौजवान हैं 24 घंटे 48 घंटे उससे ज़्यादा हो चुका है और रूट की सिक्योरिटी के ऊपर अलर्ट खड़े हैं, कोई बंदा ब्रेक नहीं कर रहा, उसके अलावा दीगर अदारे सेफ सिटी या रेस्क्यू, सर क्या मैसेज देंगे उन लोगों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए? लोगों को ये मैसेज देंगे कि जी वो जो लोग ये इस वक्त इतनी सख्त ड्यूटी और इतनी लंबी ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ तआवुन करें। वो जो आपको ये हिदायात देते हैं वो आपकी अपनी हिफाजत के लिए हैं और आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए हैं, तो उनके साथ कोऑपरेट करें और उनकी हौसला अफजाई करें और जैसे जैसे वो आपको बताते हैं वैसे उस पर अमल दरामद करें। सर कितनी को हमारी नफरी डिप्लॉयड है और कितने को सर हमारा सेफ सिटी हमें कितने को कैमराज के साथ असिस्ट कर रहा है शुरा के रूट पर? आज हमारी कोई 15,000 के करीब डिप्लॉयमेंट है लाहौर में और इसमें पीरू डॉल्फिन और उसके अलावा जो रूट्स के ऊपर लगी हुई हैं इवेंट स्पेसिफिक वो 8,000 से ज़्यादा है और 7,000 जो है वो पूरे शहर के अंदर जो मुख्तलिफ ट्रैफिक पीरू डॉल्फिन ये लगी हुई है और इसमें रूफ टॉप ड्यूटीज़ वेंटेज पॉइंट ड्यूटीज़ ये सब भी शामिल हैं और सेफ सिटी के कैमराज जो हैं वो 650 के करीब हैं और इसके अलावा एडिशनल 650 कैमराज और भी हैं, तो ये हमारा मुस्तकिल हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं और इनके ज़रिए हम ड्यूटी को भी मॉनिटर करते रहते हैं, ड्यूटी को अलर्ट भी करवाते रहते हैं और साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेरे साथ इस वक्त चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी DIG कामरान खान साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज की मीटिंग में क्या बातें हैं, लेकिन उससे पहले उनसे ये पूछते हैं कि सर ये जो हमारे पास लाहौर पुलिस और सेफ सिटी के इश्तराक से मुश्तरका काविशें हैं लाहौर के शहरीों को और ये जो अशूरा के रूट को यकीनी उसकी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए, सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरी एक मेहनत है जो लाहौर पुलिस के साथ मिलकर हमारी टीम ने की है। अल्लाह ताला का एहसान है कि अभी तक तमाम मामलात बखूबी चल रहे हैं, खैरियत है, कोई छोटा सा भी नाखुशगवार वाक़ अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया और अल्लाह ताला अपना करम करे और मुकम्मल होने तक ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी निगरानी भी रहे और उनको बार बार यहाँ से गाइडेंस भी दे रहे हैं और उसको नोट कर रहे हैं, अगर हल्का सा भी कुछ स्लैकनेस आ रही है तो उसको फौरी तौर पर रिमूव कर रहे हैं। सर क्या बैकअप करने के लिए मैसेज क्या देंगे पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स, रेस्क्यू वाले या जो पुलिस के नौजवान वहाँ पर फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, सर उनको बैकअप करने के लिए क्या कहेंगे? देखें जी, जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बाहिम्मत सारे लोग हैं, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ही उनको उसको इसकी जजा देगा। सेल्फलेस होके जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, इतना हार्श वेदर है, इतनी लॉन्ग लंबी ड्यूटी है जिसमें वो एक काम कर रहे हैं, ना खाने का होश है ना अपना होश है, सलाम उनको। सर सीएम पंजाब मौजूद है, सर जो हमारी जो अरेंजमेंट्स थी, हमारे पोर्टेबल कैमराज थे, हमारी MCC वैन थी, सर इस हवाले से उनके क्या ख्याल थे, क्या तासुरात थे? जी हमने सारी उनको ब्रीफ़ किया कि किस तरीके से हमने अरेंजमेंट्स की हैं, किस तरीके से लाहौर पुलिस को ट्रेन किया है और यहाँ से कैमरों की मदद से किस तरह कवर कर रहे हैं, किस तरह लाहौर पुलिस की इजाफी कैमरों की जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने पोर्टेबल कैमरों से पूरा किया है, रूट्स पे हमने गूगल अर्थ पे पूरा प्लॉट करके उनको कहाँ पर हमारे कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ पर एक्स्ट्रा कैमरे दिए हैं, कहाँ पर हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड टीयर में सिक्योरिटी को उसमें कवरेज दी है, वो सारा उनको हमने ब्रीफ़ किया है और ही वॉज़ वेरी हैप्पी, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है कि ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, टीम वर्क किया है, इसको टीम वर्क उन्होंने लाहौर पुलिस के साथ जो हमारा टीम अप हुए हैं हम उसको बहुत अप्रिशिएट किया। इस वक्त मेरे साथ वजीर पॉपुलेशन हाशिम डोगर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं और वो इस मीटिंग जो हमारी मीटिंग हुई है सेफ सिटी में मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से उसमें मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि इस पूरे लाहौर शहर में हर जगह पर कैमराज मौजूद हैं, जहाँ पर रूट पर कैमराज कम थे वहाँ पर भी डिप्लॉय किए गए हैं, सर आप क्या देखते हैं सेफ सिटी की अफादियत आइंदा आने वाले वक्तों में भी सिक्योरिटी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ जो आपका ये जो इंस्टीट्यूशन है, अदारा है, ये दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू हो रहा है और अप्रिशिएट करते हैं आपके इस अदारे की एफ़र्ट्स को। जो कैमराज बड़े अरसे से बंद पड़े हुए थे आपने उनको दोबारा वो अब काम कर रहे हैं, उसके अलावा जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी और मौजूद नहीं थे तो आपने एडहॉक बेसिस पर भी लगाए, तो CM साहब भी अप्रिशिएट करके गए। मैं भी चूंकि लॉ एंड ऑर्डर कैबिनेट कमेटी का मेंबर हूं तो उसके हवाले से मेरी तरफ से भी आई थिंक आप पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ दिस डिज़र्व्स कॉम्प्लीमेंट्स। और चूंकि ये सिर्फ लाहौर में नहीं है, कसूर जो कि मेरा शहर है वहाँ पे भी आप लोग सर वहाँ पे भी किया, तो ये बहुत अच्छा है और CM साहब भी अभी यही फरमा रहे थे कि हम इंशाल्लाह इसको पंजाब की तमाम मेजर सिटीज़ में, ऑब्वियसली ये थोड़ा एक्सपेंसिव मोड है और इसको एकदम अडॉप्ट करना मुश्किल है,
मगर हमारी नीयत यही है कि हम पंजाब के हर बड़े शहर में इसको लेकर जाएं। सीएम पंजाब ने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि जिस तरीके से सेफ सिटी ने लाहौर पुलिस को असिस्टेंस प्रोवाइड किया कैमराज के थ्रू, पोर्टेबल कैमराज के थ्रू और MCC वैन के थ्रू। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर बख्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।